हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम भारत पर अरबों द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही इससे प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। 712 ईस्वी में यह आक्रमण सिंध पर हुआ था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसको इसने हराया था। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि क्षेत्र विस्तार करना। हमेशा ही प्रश्न जो है पूछा जाता है तो उसमें क्षेत्र विस्तार भी डाला जाता है। तो इनका मुख्य मकसद भारत में क्षेत्र को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धन की प्राप्ति करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिंध पर हुआ था। और सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। अगला जो है अल्पतगिन, जो गजनी का शासक बना, इसकी राजधानी गजनी थी। इसके बाद प्रीतगिन गजनी का शासक बना और इसके समय में तुर्कों का आक्रमण भारत पर प्रथम बार हुआ। अल्पतगिन के समय भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था। यह गजनी का संस्थापक था, गजनी इसकी राजधानी थी। लेकिन उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी प्रीतगिन बना 972 ईस्वी में, इसके समय भारत पर आक्रमण किया गया और पंजाब के शाही शासक जयपाल के विरुद्ध यह आक्रमण किया गया था। यह भारत का मैप है, इधर पाकिस्तान का यह क्षेत्र है। इस तरफ से भारत पर आक्रमण किया गया था। ये जयपाल का क्षेत्र था, शाही वंश के जो शासक थे इन्हीं पर यह आक्रमण किया गया था। अगला जो शासक गजनी का बना वह सुबुतगिन बना। यह अल्पतगिन का ही गुलाम और दामाद था। कई बार पूछता है कि सुबुतगिन किसका गुलाम और दामाद था, तो याद रखिएगा अल्पतगिन का यह दामाद और गुलाम था। सुबुतगिन का पुत्र महमूद गजनी था। यह 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने से पहले यह पिता के समय खुरासान का शासक था। जब पिता इसके गजनी के शासक थे तो यह खुरासान का शासक था। कई बार यह प्रश्न पूछता है कि महमूद गजनी की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक था, तो याद रखिएगा खुरासान का था। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला से इसने यामिन उदौला और यामिन उल मिल्ला की उपाधि प्राप्त किया था। कई बार प्रश्न खासकर पीसीए में पूछा जाता है कि महमूद गजनी ने किससे उपाधि लिया था और इसको कौन सी उपाधि मिला था, तो याद रखिएगा बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला से इसने यह उपाधि लिया था, आमिन उदौला और यामिन उल मिल्ला। इस उपाधि लेने का मुख्य मकसद यही था कि वह जो गद्दी पर बैठा था उसको वैधता मिल सके, यानी जो गद्दी पर उसको गजनी के गद्दी पर बैठाया गया था उसको खलीफा के द्वारा जो है वैधता प्रदान किया जाए, इसीलिए इसको यह उपाधि खलीफा से लेना पड़ा था। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था और हर बार इसने यहाँ पर धन प्राप्त किया था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था, धन की प्राप्ति करना। आक्रमण का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण किया तो इसने काफ़ी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ा था। प्रथम आक्रमण इसका पेशावर पर हुआ था। ये पंजाब में अभी पेशावर है, यहीं पे इसका प्रथम आक्रमण इस क्षेत्र इस तरफ से हुआ था। इधर से यह आया था, गजनी इधर पड़ता है, इधर से ही आक्रमण किया था। ये पेशावर जो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है। 101 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल को इसने हराया था। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, जैसे SSC बैंकिंग रेलवे में पूछा गया है, PCS में पूछा है कि जो शाही राजा जयपाल पर किसने आक्रमण किया था, कौन इनको हराया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनी ने इन पर आक्रमण किया और इनको हराया। ये पंजाब के शासक थे, ये पंजाब का क्षेत्र है जिसमें पहले आज जो है पाकिस्तान का भी क्षेत्र और भारत का क्षेत्र, ये दोनों उस समय जयपाल के शासन के अंतर्गत था। 101 में इसने नागरकोट पर आक्रमण किया था, मूर्ति भंजक। इसने काफ़ी नागरकोट में मूर्ति को तोड़ा था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसने थानेसर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर वहाँ रंगभूमि में रखवाया था। कई बार ये पूछता है कि चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित प्रतिमा को किसने गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था, तो याद रखेगा महमूद गजनी ने
भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। बूंद गजनी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इस मंदिर पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। इसने कहा जाता है कि यहाँ से 20 लाख दिनार इसने उस समय प्राप्त किया था, जो काफ़ी धन हुआ करता था। कई बार पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था महमूद गजनी, तो याद रखिएगा 1025 ईस्वी में किया था। और इससे उसको कितना धन प्राप्त हुआ था सोमनाथ मंदिर से, तो 20 लाख दिनार इसको प्राप्त हुआ था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जब यह सोमनाथ मंदिर से धन लूटकर जा रहा था तो जाटों ने इसके ऊपर हमला किया था। इसी का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया और यह इसका अंतिम आक्रमण था। सुल्तान की उपाधि जो है सर्वप्रथम महमूद गजनी ने प्राप्त किया था। महमूद गजनी की सेना में उच्च पद पर सिवंद राय एवं तिलक की नियुक्ति की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य यही था इस नियुक्ति का कि जो यहाँ पे हिंदू शासक हैं, छोटे छोटे हिंदू शासक थे, उनके बारे में गुप्त सूचना इनसे प्राप्त किया जाए, इसीलिए इन हिंदू को उच्च पद दिया गया था। किसके द्वारा? महमूद गजनी के द्वारा। कई बार प्रश्न पूछता है कि महमूद गजनी की सेना में कौन दो हिंदू उच्च पद पर थे, तो याद रखिएगा सेवंद राय और तिलक थे। महमूद गजनी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फारूखी रहते थे। कई बार प्रश्न पूछता है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो याद रखिएगा अल बरूनी, फिरदौसी और उत्वी और फारूखी रहते थे। अल बरूनी के बारे में तो बार बार पूछा है, और महमूद गजनवी और महमूद गोरी दोनों का नाम दिया जाता है एग्जाम में, हमेशा कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है। पूछता है कि अल बरूनी किसके दरबार में रहता था, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, न कि मोहम्मद गोरी के दरबार में यह रहता था। अगला जो शासक बना था वह बना था मोहम्मद गोरी। यह 1173 ईस्वी में शासक बना और यह महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था गौर, वहाँ का यह शासक बना था। याद रखिए यह गजनी का शासक नहीं बना, पहले यह गौर का शासक बना। गौर जो था उसका शासक सर्वप्रथम महमूद गोरी बना था। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। ये मुल्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं पे सर्वप्रथम इसका आक्रमण हुआ था। दूसरा आक्रमण जो है 1178 में पाटन, जो गुजरात में है, भीम वहाँ का शासक था, उसके विरुद्ध इसने दूसरा आक्रमण किया था, जिसमें भीम ने गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। कहा जाता है कि गोरी की आधी सेना इसमें समाप्त हो गई थी। भीम जो है ये गुजरात का क्षेत्र, यही पाटन है, यहीं का शासक था, इसने गोरी को हराया था। गोरी के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किए गए थे, पहला जो तराई का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें गोरी और पृथ्वीराज के बीच यह युद्ध हुआ था, और 1191 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, प्रथम तराई युद्ध में, याद रखिएगा। और इसमें यह था जिसमें पृथ्वीराज की इसमें हार हुई और गोरी की विजय हुई, याद रखिएगा। तराई के प्रथम युद्ध में गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज की विजय हुई, 1191 ईस्वी में हुआ। तराई का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गोरी जीता और पृथ्वीराज इसमें हार गए। अगला इसने आक्रमण चंदावर के विरुद्ध किया था, जिसमें गोरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद जो पृथ्वीराज थे उनके ससुर थे। कहा जाता है कि जयचंद की पुत्री को उठाकर पृथ्वीराज ने शादी कर लिया था, जिससे जयचंद और पृथ्वीराज के बीच काफ़ी तनाव था, और दोनों के फूट का नतीजा था कि गोरी को फायदा हुआ। पहले इसने पृथ्वीराज को हराया, बाद में जो है जयचंद को भी हराया। 1194 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, हमेशा प्रश्न में पूछता है, जिसमें गोरी जो है विजय हुआ था। ये तीनों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर गोरी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, खासकर PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे में ये आते हैं, इसीलिए इसको हमने ब्लॉक बनाकर यहाँ पे आपको दर्शाया है ताकि आपको ये याद रहे। जीते गए जो उसके क्षेत्र थे उसको उसने गुलाम सेनापति को सौंप कर गजनी चला गया, मतलब भारत से वह गजनी अपना जो उसकी राजधानी थी वहाँ चला गया। लेकिन गोरी की हत्या जो है गजनी में ही 15 मार्च 1206 में कर दिया गया था, याद रखिएगा। बराबर प्रश्न पूछा जाता है कि गोरी की हत्या कब हुई थी, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में गोरी की हत्या हुई थी।
दोस्तों अगला टॉपिक हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लास्ट में इतना ही कहेंगे कि आपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किया है उसको आप पूरी मन से कीजिए ताकि आपको जो है उसमें सफलता मिले। धीरे धीरे ही कारवां बढ़ाना चाहिए ताकि जो है मंजिल स्वयं हमारे पास आ जाए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।